गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रजन रंजन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन यमुना तीर बनचारी बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की गौर निताय की कृष्ण बलराम की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है सातवें अध्याय का चौथा श्लोक है भगवद गीता से। मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग रिपीट कीजिए। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा भूमिरपो नलो वायु खम्मन खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। कोई रिपीट कीजिए। भूमिरपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च हरम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सब भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा भूमि पृथ्वी आपा जल अनला अग्नि वायु वायु खम आकाश मनः मन
बुद्धि बुद्धि एव निश्चय ही च तथा अहंकार अहंकार इति इस प्रकार इयम ये सब में मेरी भिन्ना प्रकृति पृथक प्रकृति शक्तियाँ अष्टधा आठ प्रकार की अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियाएँ हैं। तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुषावतार विस्तार की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकम तु महता सृष्टि द्वितीयम त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थ प्रपा जी करते हैं, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहला महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो इन तीन विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत में सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीन विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीव के भोग के लिए है तथा सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक सृष्टि के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ यहाँ भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएँ नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सार्व्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंग शक्तियाँ होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भौतिक शक्ति आठ प्रधान रूपों में विभक्त होती है। इनमें प्रथम पांच पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती है, जिनमें पांच इंद्रिय विषयक जिनका नाम शब्द स्पर्श रूप रस गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही दस तत्व है, किंतु अन्य तीन तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलाप से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसके विषय भोग की दस इंद्रियों का समावेश है।
बुद्धि महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो ये जो आज का हम लोग का श्लोक है, इसमें भगवान अपनी अपरा प्रकृति जो है, भगवान की अपरा प्रकृति उसके बारे में बता रहे हैं। क्यों भगवान अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, इसका कारण, इसको जानने के लिए 2-3 श्लोक पीछे जाना होगा। हम लोग 7वें अध्याय में है, इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। इसके पहले 6ठा अध्याय खत्म हुआ था। सामान्य सी बात है, भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। इसमें भगवान अपनी प्राप्ति के लिए सारे योग का वर्णन करते हैं, कर्म योग का वर्णन करते हैं, ज्ञान योग का वर्णन करते हैं, भक्ति योग का करते हैं, अष्टांग योग का, सांख्य योग का, सारे योग का वर्णन करते हैं। पहले 6 अध्याय में मूल रूप से कर्म योग का वर्णन हुआ है, मगर कर्मयोग के अलावा भी जो अन्य योग है, जैसे कि भक्ति योग का भी कुछ वर्णन है। जैसे ये श्लोक आप लोग सब जानते होंगे, नेहा विक्रमो नासस्ति प्रत्वायु न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महत्व भयात्। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, ये भक्ति योग से संबंधित है। ऐसे ही भगवान ज्ञान योग, अष्टांग योग सभी के बारे में बोले हैं 6 अध्यायों तक। इसको जब बोल दिए उन्होंने पूरा 6 अध्याय में, तो 6ठे अध्याय का जो सबसे अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान अपना एक मत सुनाते हैं पूरे सारे योग के बारे में। उसमें एक शब्द आता है मे मता, मतलब मेरा मत है। हम लोग पूरा श्लोक वो देखेंगे क्या क्या भगवान बोल रहे हैं। जानना चाहिए भगवान का मत है यहाँ पे। इस जगत में सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विचारशील कौन है? भगवान है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके नीचे, उसके बाद ही आएगा। सबसे ज़्यादा ज्ञानी और विचारशील भगवान ही। श्लोक ऐसे है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मता। करें मे मता, मेरे मत में क्या है? सर्वेषां योगिनाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां योगिनाम मतलब सभी योगियों में, जो कैसा है? सभी योगियों है। सभी योगी मतलब सभी कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, जितने भी है सभी। उसमें कह रहे हैं जो ऐसा भक्त है, मद गते न अंतर आत्मना, मद मतलब भगवान में, गते न मतलब आसक्त है, अंतर आत्मना मन, कोई ऐसा योगी है जिसका मन भगवान से आसक्त है, और कैसा है वो? श्रद्धावान, भगवान के प्रति खूब श्रद्धा है उसको, और भजते यो माम, और भगवान का भजन भी करता है। ये 3 गुण जिसमें है, जो भगवान के जिसका मन भगवान के प्रति आसक्त है मदगतिन अंतरात्मना से, और श्रद्धावान भगवान के प्रति श्रद्धालु है, और भजते यो माम और जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन स्मरण कोई भी एक अंग या सब बहुत सारे अंग सबका कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मे मता, मेरे मत में वो क्या है? युक्त तमा है। युक्त मतलब होता है कि एकदम ठीक है, और युक्त तमा मतलब होता है एकदम सबसे अच्छा है। यहाँ तमप प्रत्यय का यूज हुआ है, युक्त में जब तमप प्रत्यय लगाते हैं तो युक्त तमा बनता है। तमप प्रत्यय यूज होता है अतिशयेन तमप, जहाँ किसी चीज़ के अतिशय बताया जाता है तो उसमें तमप प्रत्यय लगता है। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग सुनते होंगे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या? सबसे अच्छा। तो ऐसे युक्त, युक्त तरह, युक्त तमा, तो युक्त तमा मतलब एकदम सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा योगी वो है जिसका मन भगवान में लगा है, और भगवान के प्रति श्रद्धा है, और भगवान की भजन में लगा हुआ है। तो ये श्लोक भगवान तो बोले, तो इससे भगवान का भाव एकदम क्लियर होता है कि हम लोग को क्या करना है, मतलब हम लोग को भगवान का भक्त बनना है। मद भक्त भवेत इति भावा, मतलब श्री स्वामी इस पर कमेंट करते हैं कि मेरा भक्त बनो, ये भाव है भगवान का।
तो अब भगवान का भक्त बने, तो अब पता जिसका भक्त बनना है, भक्त मतलब सेवा, जिसका सेवा करना है या भक्त बनना है, तो अब वो कैसे है ये भी प्रश्न उठता है ना, कि कीदृशी त्वम यस्य भक्ति कर्तव्यम, कैसे है भगवान जिनकी भक्ति कर्तव्यम करनी चाहिए, अब इति अपेक्षायाम, ये अब अपेक्षा बन रही है। तो ये जब अपेक्षा बन रही है तब भगवान ही अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, स्वस्वरूपम निरूपिष्यन, अपने स्वरूप का निरूपण करेंगे। तो छठे अध्याय का ये अंतिम श्लोक था, इसलिए सातवें अध्याय से भगवान अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, बताते बताते बता भी देंगे, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, सबका नियंता हूँ, सब कुछ एकदम और अच्छे से बताएंगे। तो बताना स्टार्ट करते हैं, तो अपने ज्ञान के पहले और भी थोड़ा उपक्रम और बताते हैं। ये छठे अध्याय का सबसे लास्ट श्लोक था, फिर सातवें अध्याय का पहले श्लोक में पहला श्लोक कहते हैं भगवान, श्री भगवान वाचा, मैया सक्त मनापार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम वाम यथा ज्ञाससि तश्रिनु। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि पार्थ, हे पार्थ, असंशयम बिना किसी डाउट का, और समग्रम, समग्रम मतलब पूरा पूरा, पूरा पूरा का यहाँ अर्थ है कि बल ऐश्वर विभूति सहितम, मतलब बल ऐश्वर विभूति के सहित, यथा ज्ञाससी, जैसे तुम जानोगे। और कैसा व्यक्ति जान सकता है, जो मैया सक्त मना, जिसका मन भगवान में आसक्त है, योगम युंजन, जो योग में लगा हुआ है, भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, और एक और बड़ी बात है मद आश्रय, जो भगवान के आश्रय में है, जो ये तीन चीज़ है वो भगवान को बिना किसी संशय का, मतलब असंशय और समग्रम पूरा पूरा जान पाएगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ जो आई, मद आश्रय, मेरे से आसक्त मन है, और योगम युंजन। मद आश्रय को थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि गीता का एकदम पूरा जो पढ़ लेगा तो उसका सार फाइनल में भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का शरणागत होना है। उसके लिए एक श्लोक है, बहुत परिचित श्लोक है, लगभग सभी जब भक्त जानते होंगे, फिर भी उसको एक बार जान लेते हैं। आनुकूल्य से संकल्पा प्रतिकूल्य से वर्जना रक्षेति स विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। तो ये छह प्रकार से शरणागति होती है, जो भगवान का इस छह प्रकार से शरणागत होता है, भगवान के आश्रय में है, वो भगवान को पूरा पूरा जान लेगा। ये छह प्रकार का क्या है, पहला क्या है, आनुकूल्य से संकल्पा, भगवान के अनुकूल रहना ये संकल्प है। भगवान को क्या प्रसन्नता देता है, भक्ति, मतलब भक्ति के अंगों के प्रति, भक्ति के जितने भी अनुकूल चीज़ें हैं वो करना है, पहला कहते हैं अनुकूल से संकल्पा, मतलब भक्ति के जो जो भी चीज़ें अनुकूल है वो करना है। जानते हैं क्या क्या अनुकूल है, साधु संग करना है, धाम में आना है, गुरु का और वैष्णवों का कथा सुनना है, उनकी सेवा करना है, ये सब अनुकूल चीज़ें और भक्ति भी है। और प्रतिकूल, अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जना, जो प्रतिकूल चीज़ है उसे वर्जित करना है, जैसे कि असत्संग है, निंदा है, इन सबसे बचना है। और रक्षेति स विश्वास हो, और भगवान रक्षक हैं, जो त्रिलोकी के नाथ है वही रक्षक है, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान एक बचा सकते, भगवान ही अभय देने योग्य, क्योंकि भगवान से यद विभेति स्वयं भयम, भगवान से जो स्वयं भय मृत्यु वो भी भय खाता है। तो रक्षेति स विश्वास हो, ऐसा विश्वास रखना है। और गोपतृत्व वर्णम तथा, गोपतृत्व, गोप्ता मतलब भी रक्षक होता है, गोपतृत्व अपने रक्षक के रूप में भगवान को वर्णन कर लेना है, कि कौन है तुम्हारे रक्षक, भगवान है मेरे रक्षक, कोई डॉक्टर या कोई बहुत बड़ा सेठ ये नहीं है, भगवान है रक्षक। तो चार अंग हो गए, दो और अंग है, दो है, एक है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब क्या होता है ना, कि अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना। और एक और चीज़ है इसमें, इसे समर्पित करने के पहले एक और चीज़ आता है, स्वामित्व की भावना को भी त्याग देना, मैं किसी चीज़ का स्वामी हूँ ये भी भावना नहीं रखना, और जो मैं हूँ और मेरा है उसको भगवान पे समर्पित कर देना, ये आत्मनिक्षेप। और एक कार्पण्यम, कार्पण्यम मतलब गर्वहीन हो जाना चाहिए, कुछ भी अपने जन्म का, पढ़ाई का, धन का, और ये सब का जो घमंड है इसको त्याग देना, और भगवान का के प्रति प्रार्थना करना, ये कहता है, कहलाता है कार्पण्यम। तो ये छह चीज़ें हैं, तो उससे शरणागति होती है, जो छह चीज़ों को फॉलो करता है वो भगवान के आश्रय में है, और जो भगवान के आश्रय में है और जिसका मन भगवान में आसक्त है और भक्ति में लगा है, वही भगवान को पूरा पूरा जान पाएगा, बिना संशय का और बिना, और समग्रम पूरा।
तो ये 7.1 था अध्याय, मतलब सातवें अध्याय का पहला श्लोक था। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम बक्षामि अशेषता यत ज्ञात्वा नेहा भूया अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब भगवान जो है ना बोल रहे हैं कि मैं जो है तुमको ज्ञानम सब विज्ञानम, मैं ज्ञान सब विज्ञानम विज्ञान के साथ बक्षामि अशेषता, अभी जो है ना बक्षामि बताऊँगा, अशेषता मतलब पूरा बताऊँगा। अच्छा बताएंगे तो उससे होगा क्या, तो बोले यत ज्ञातवा, जिसको जब तुम जान जाओगे, ये ज्ञान को जब जान जाओगे तो नेहा ना इहा मतलब नहीं, इहा मतलब ये जो कल्याण का जो मार्ग है, जो श्रेय का जो पथ जो चुनता है साधक, भगवान के भगवत धाम जाने का जो पथ है इहा, उसमें अन्यत ज्ञातव्यम इष्यते, अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी जानने योग अन्य जानने योग चीज़ें नहीं बचेगी। जो कल्याण के पथ भगवत धाम की प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए जितने भी चीज़ें वो भगवान अभी बताएंगे अशेषता, वह ज्ञानम सब विज्ञानम। ज्ञानम को अलग अलग आचार्य थोड़ा अलग अलग बताते इस ज्ञानम और विज्ञानम को, और एक सिंपल मीनिंग है श्री स्वामी बताते हैं, ज्ञानम मतलब शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञानम मतलब अनुभव। भगवान शास्त्रीय, जो भगवान के बारे में जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो वेद में युक्त ज्ञान है और जो अनुभव है उसको बताएंगे। उसके बाद इस ज्ञान से क्या होगा, ना अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कोई अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो कल्याण है उसको प्राप्त कर जाएंगे। फिर इसी ज्ञान को कितना ये दुर्लभ है उसको तीसरे श्लोक में बताते हैं 7.3 में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वता। कहते हैं ना कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु में मतलब हजारों मनुष्यों में कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई है जो सिद्धि के लिए यत्न करता है, कोई कोई है जो अपवर्ग का मार्ग को चुनता है, मतलब कि चाहता है कि भगवत धाम जाए, ये सब चुनता है, नहीं तो सब तो भोग वगैरह में भी लग जा, मतलब उस दूसरे विषयों में लग सकते हैं। तो कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई जो सिद्धि के लिए यत्न करता है, और फिर कहते हैं यतताम अपि सिद्धा नाम, और जो सिद्धि के लिए यत्न कर रहे हैं उसमें कहते हैं कश्चित माम वेति तत्वता। अब जो सिद्ध है और यत्न भी कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कश्चित, कोई कोई मुझको कश्चित माम वेति तत्वता, तत्वता जान पाता है, तत्वता मतलब स्वरूपता जान जाता है। अब प्रश्न उठता है जब वो सिद्ध है यत्न कर रहा है तो कोई कोई क्यों जान पाता है, इसका आंसर बताते हैं भगवान कि कोई भगवान को जो है ना भगवान की कृपा से ही जान सकता है, अपने यत्न से नहीं जान सकता। परमात्मा नाम प्रसादे न ज्ञातवा, मतलब भगवान के प्रसाद से ही, भगवान की कृपा से ही कोई जान सकता है, ऐसा नहीं कि कोई साधन से कोई जान सकता है। तो इस बताएं कि कैसे ये ज्ञान भी बहुत दुर्लभ है। अब उस ज्ञान को बता रहे जो हम लोग का श्लोक है अभी, जो भूमि रपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे वचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो श्लोक है यहाँ से भगवान अपना ज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवत विज्ञान है, जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें भगवान की स्वाभाविक स्थिति और भगवान के जो शक्तियाँ हैं उसका विश्लेषण है। मतलब भगवत ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान तो है ही और भगवान की शक्तियों का ज्ञान भी है, इसका अर्थ है। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान जो है ना अपनी अपराशक्ति के बारे में बताएंगे। भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है, परा और अपरा, और समानता सब जानते हैं कि भगवान की तीन प्रकार, चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है भगवान की तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है और तटस्था शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति को ही अपरा कहते हैं, अंतरंगा को भी पड़ा कहते हैं, और इसको तटस्था शक्ति को भी पड़ा कहते हैं। मूल श्लोक है विष्णु पुराण से, विष्णु शक्ति पड़ा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ आख्या तथा पड़ा अविद्या कर्म संगन्या तृतीय शक्ति ऋष्यते। तो इसमें कहते हैं विष्णु शक्ति पड़ा प्रोक्ता, जो विष्णु शक्ति है, विष्णु शक्ति मतलब अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति को क्या बोलते हैं, पड़ा प्रोक्ता, पड़ा कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा, जो क्षेत्रज्ञ नाम की जो शक्ति है भगवान विष्णु की, मतलब यही तटस्था शक्ति को क्षेत्रज्ञ आख्यक शक्ति कहते हैं, वो भी क्या है, परा है। और जो तीसरी है अविद्या, अविद्या कर्म संगन्या, जो जो कर्म नाम से जानी जाती, माया नाम से जानी जाती है,
तो उसको तृतीय दृष्टि से तीसरी शक्ति कहते हैं, यही अपर आय जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, यही अपर आय, उसी के बारे में आज का श्लोक है। तो श्लोक का अर्थ करते हैं, भूमि रपो नलो वायु। तो पहले कह रहे हैं भूमि शब्द आ रहा है, भूमि, भूमि मतलब तो सब जानते हैं पृथ्वी। शास्त्रों में इसका परिभाषा है कि गंधवती गंधवती पृथ्वी, ऐसा द्रव्य जिसमें गंध का गुण है उसको भूमि पृथ्वी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं रहती है, इसको बाद में देखेंगे तन्मात्रा के बारे में। फिर है आपा, आपा मतलब होता है जल। जल का भी परिभाषा है कि जल की परिभाषा है कि जो स्पर्शवती है, मतलब शीत स्पर्शवत्या आपा, जल ऐसा है जिसका जिसमें क्या गुण है, जिसमें शीत स्पर्श का गुण है, उसको बोलते हैं आपा, मतलब जल बोलते हैं। तो कोई कहेगा कि जब पानी को गर्म कर देंगे तब उसको जल नहीं बोलेंगे क्या, क्योंकि जब उसको स्पर्श करेंगे तो गर्म लगेगा। तो उसमें जो उष्णता आई है वो अग्नि तत्व से आई है। जो जल की जो प्राकृतिक प्रकृति है वो शीत है, मतलब शीतल है, शीत स्पर्शवत्या आपा। और फिर तीसरा है अनल, अनल मतलब होता है आग, उसी को तेज कहते हैं। तो तेज का भी परिभाषा दिया हुआ है, उष्ण स्पर्शवत्त तेजा, जो उष्ण स्पर्शवत तेजा, तेज किसको बोलते हैं ना, जिसमें उष्ण स्पर्श जिसका गुण रहता है, जिसको टच करने पे गर्म लगेगा, उसको तेज कहते हैं या अग्नि बोलते हैं। फिर है वायु, वायु का परिभाषा क्या शास्त्रों में दिया हुआ है, स्पर्श ही थी रूपहीन स्पर्शवान वायु, ऐसा द्रव्य जिसमें क्या है, रूपहीन, जिसमें रूप नहीं है मगर स्पर्शवान, स्पर्श गुण है, तो उसको वायु बोलेंगे। और फिर एक है खम, खम मतलब होता है आकाश। आकाश के लिए एक पर, उसके लिए क्या परिभाषा दिया हुआ है कि शब्द गुणकम खम, जो ऐसा द्रव्य जिसमें शब्द का गुण है, जो शब्द जा रहा है कहीं, शब्द है तो मतलब आकाश है वहाँ पे, बिना आकाश का शब्द, वैसे तो शब्द उसका कारण है और कार्य है ये आकाश, मगर फिर भी शब्द जहाँ पे वहाँ आकाश है, ऐसा भी कार्य कारण रहता है। और फिर इसी में आ रहा है मना, मन, मन क्या है, मन के बारे में, मन की भी परिभाषा दी हुई है कि सुखादि उपलब्धि साधकम इंद्रिय मना। मन क्या है, सुख आदि, जो सुख दुख आदि की जो उपलब्धि जिस इंद्रिय से होती है उसको मन कहते हैं। और वही मन जानते हैं, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, तो ये सब मन का है। और बुद्धि, बुद्धि की भी परिभाषा है कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, जो सभी व्यवहार का जो हेतु है उसको बुद्धि कहते हैं, और उसी को ज्ञान भी कहीं कहीं कहते हैं। देखिए एक वर्ड का अर्थ बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, ज्ञान कभी कभी बुद्धि के लिए भी यूज हो जाता है। ऐसे तो ज्ञान मतलब कहीं ज्ञान भी होता है, कहीं भक्ति हो जाता है, वो देखना पड़ेगा क्या होता है। तो सर्व व्यवहार हेतु जो है वो बुद्धि है। जैसे कैसे रोड में चल रहे हैं तो बाएं से चलना है, तो ये कौन इसको बताएगा, बुद्धि बताता है, तो ये बुद्धि है। और अहंकार, इसी में आ रहा है एक शब्द आ रहा है अहंकार। अहंकार को प्रभुपाद जी डिफाइन इस पटपट में अच्छे से बताएं कि मैं और मेरा, मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब जो भावना है अहंकार के कारण है। और यही ये संसार में जो फंसने का कारण है ये अहंकार ही है। और इसी को, ये जो मन बुद्धि अहंकार, इसको भागवतम में थोड़ा एक उदाहरण दे के बताया हुआ है, तो उसे जल्दी समझ जाएंगे। भागवतम का जो तीसरे अध्याय का 26वां चैप्टर है, कपिल देव देवोती माता को बता रहे हैं, उसमें जो 29वां श्लोक है, उसके वो जो श्लोक है उसके जो तात्पर्य है उसमें श्रीधर स्वामी एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसे ये पूरा मन बुद्धि अहंकार अच्छे से समझ जाएंगे। मन बुद्धि अहंकार के साथ एक और चीज़ होता है चित्त, ये अंतःकरण ही है जो अलग अलग वृत्तियों से जो है ना, अलग अलग उसका नाम होता है, मतलब वृत्ति मतलब फंक्शन, कैसे एक वस्तु है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाता है। तो उसे ही अंतःकरण एक ही है, उसके जो अलग अलग जो वृत्तियाँ होती है उससे उसका नाम बदल जाता है। तो चक्रतिपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कैसे कोई व्यक्ति है, कोई आवाज़ हुआ, कोई शब्द हुआ तो अवेयर हो जाएगा, अरे कुछ हुआ, और
तो जो ये कुछ हुआ, ये शब्द कुछ हुआ, ये किसका कार्य? चित्त का। चित्त देखिए, मन बुद्धि अहंकार के साथ एक चित्त होता है। चित्त से क्या होता है? अवेयरनेस, कुछ हुआ चेतन पता चलता है, हाँ कुछ हुआ। और यही है जो स्मृति सबको बार बार सोचता है, कुछ पुरानी स्मृति रहती है, ये सब चित्त में, चित्त का काम है कि फिर से उस पर मनन करने लगता है। तो चित्त जैसे कोई आवाज़ हुआ तो कुछ पता चला, हाँ कुछ है, तो ये चित्त का कार्य है। और ये शब्द है, ये बुद्धि बताता है। और ये शब्द कैसा है, अच्छा लग रहा है, इसको सुन इच्छा है, तो ये मन का कार्य है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। और जो इसमें जो अहंकार है, इसको अपने से जो हम लोग अपने अहम मम से जब इसको जोड़ लेते हैं तो ये अहंकार का काम है। जैसे कोई भौतिक व्यक्ति है, बोलेगा इंडिया जीत गया, तो अच्छा मैं भी इंडिया जीत गया, बहुत अच्छा, मतलब तो ये अहंकार जोड़ रहा है, अहंकार जोड़ रहा है। और अहंकार ही होता है जो कार्य और कर्तृत्व को जोड़ता है। जैसे कि कोई कार्य किया, कर्ता तो हम लोग हैं नहीं, मगर अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, ये अहंकार का काम है। यही कार्य और कर्तृत्व की जो भावना है उसको जोड़ता है। तो यही बता रहे हैं, ये जो पंचभूत है, भूमि अपो नलो वायु खम मनो खम, मतलब भूमि है, भूमि अपो नलो वायु खम, ये पंचभूत है। और जो तीन है, मन बुद्धि और अहंकार, इसी के बारे में बोल रहे हैं। इति इति मतलब इस प्रकार, इयम ये जो आठ है, इयम में भगवान बोले मेरी भिन्ना प्रकृति अष्टदा, मेरी जो अष्ट, मेरी जो भिन्ना प्रकृति, जो सेपरेटेड एनर्जी है, ये यही आठ टाइप की है, आठ प्रकार की है। अष्टधा जैसे द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार, अष्टधा मतलब आठ प्रकार की। यहाँ पे बता रहे हैं ये पांच पंचभूत है और तीन अंतःकरण है। फिर यहाँ पे एक शब्द आता है प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति को प्रभुपाद जी परपट में एकदम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसी से पूरा परपट जो है, मतलब ज़्यादा सा उसी को समझाने में ज़्यादा लग गया। प्रकृति को प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति क्या है, भगवान के जो विभिन्न पुरुषावतार है उसकी शक्ति प्रकृति है। अब प्रश्न बनता है, पुरुषावतार क्या है? तो पुरुषावतार को भी भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो जगत है, जगत के कार्य में, जगत में जितने भी क्रियाएं होती है उसमें भगवान कृष्ण की, कृष्ण के का जो अंश इसका निर्देशन करता है उसको पुरुषावतार कहते हैं। मतलब कि जो जगत, जगत की जो सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब का जो देख रेख भगवान का जो अंश करता है उसको पुरुषावतार कहते हैं। भागवतम में भी एक श्लोक है इससे रिलेटेड, प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का पहला श्लोक है, जगृहे पौरुषम रूपम। जगृहे पौरुषम रूपम मतलब भगवान जो है ना पुरुष रूप को धारण किए। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी संभूतम षोडश कलम आदो लोक सिसृक्षया। तो आदो, आदो मतलब शुरू में, लोक सिसृक्षया लोक की सृष्टि करने के लिए, मतलब इस जो ये जो विश्व है, ये जो जगत है, इसकी रचना करने के लिए भगवान क्या किए, जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान अपने पुरुषावतार लिए। और कैसे? युक्तियों के साथ लिए, संभूतम, संभूतम मतलब युक्त होकर, किससे युक्त होकर के, महद आदि भी, जो महद आदि षोडश कलम, जो 16 पंच महाभूत है, फिर पंच कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और मन है, तो ये जो भगवान की शक्तियाँ, इसे संभूतम, इससे युक्त होके भगवान के किए, जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान पुरुष अवतार धारण किए। क्यों? लोक सृष्टि या विश्व की सृष्टि करने के लिए। तो पुरुषावतार का काम क्या है ना, कि ये जो भौतिक जगत है, इस जगत का पूरा संचालन है, इस सब में पुरुषावतार का कार्य है। और इसी को, पुरुषावतार को ही समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे सात्वत तंत्र से एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। और इस श्लोक का लास्ट जो पंक्ति है उसको सुन के फिर पूरा श्लोक देखेंगे। करें तानी ज्ञात्वा विमुच्यते, करें तानी, तानी मतलब ये जो पुरुषावतार है इसको ज्ञात्वा, जो इसको जान जाता है, तो विमुच्यते, विमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है। तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या वो पुरुषावतार के बारे में बता रहे हैं, जिसको जान के विमुच्यते, मुक्त हो सकते हैं। तो श्लोक ऐसे है, विष्णु तु त्रीनी रूपानी पुरुष आख्यान्यथो विदु। करें ना पुरुष आख्या, पुरुष नामक विष्णु तु त्रीनी रूपानी, भगवान विष्णु के तीन रूप है, पुरुष आख्या पुरुष नामक का, अतः विदु ऐसा जानना चाहिए। अतः, अतः मतलब इस प्रकार, त्री पुरुष आख्या पुरुष नाम से विष्णु की त्रीनी रूपानी, तीन रूपानी है उसको विदु। तो उसमें कह रहे एकम तु महता सृष्टि, जो पहला रूप है उसके बारे में बोल रहे हैं कि एकम तु महता
महता सृष्टि, महत, महत मतलब होता है महत तत्व, उसका सृष्टि है। जो भगवान विष्णु के जो तीन रूप हैं उसमें से जो पहला रूप है क्या है, महत का सृष्टि है। महत मतलब होता है महत तत्व, सृष्टि मतलब सृजन करने वाला, जैसे कैसे होता है दात्री, दात्री मतलब देने वाला, सृष्टि मतलब सृजन करने वाला। तो महत तत्व का जो सृजन करता है, तो हम लोग जानते हैं ये कौन है, महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु जिसको कहते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु भगवान के अंशावतार है, इसका जस्ट बता देता हूँ कैसे इनका है। सबसे पहले भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के विस्तार है बलराम जी, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आता है, आदि चतुर्व्यूह उसको कहते हैं। तो उसमें से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रहते हैं। तो इसमें से जो संकर्षण है इनसे फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, उसमें भी वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रहते हैं। और इसमें जो संकर्षण है इसी के जो एक्सपेंशन या अंश है वही महाविष्णु है। तो महाविष्णु है जो कि महत की सृष्टि करते हैं। होता क्या है, भगवान जब महाविष्णु चाहते हैं कि लोक की सृष्टि करें, ये जगत फिर से उत्पन्न हो, क्या होता है ये जगत नित्य है मगर इसका प्रलय और उत्पत्ति होते जाते होते रहता है, हमेशा नित्य होते रहता है। तो सृष्टि करें तो क्या होता है, प्रकृति आविर्भूत हो जाती है और भगवान जो महाविष्णु है वो दृष्टिपात करते हैं। जब दृष्टिपात करते हैं तो उनके दृष्टि में कई चीज़ें रहती है। प्रलय काल में जो जीव जो सुप्त हो गए थे, सुप्तावस्था में थी, तो उनकी जो दृष्टि रहती है उसमें जीव तत्व रहता है, काल तत्व रहता है और जीव का जो कर्म है और स्वभाव है वो रहता है, ये चार चीज़ें रहती है। और जैसे ही भगवान का दृष्टिपात होता है, प्रकृति को देखते हैं, तो प्रकृति में ये चारों चीज़ चले जाती है। और प्रकृति में जैसे ही काल तत्व जाता है तो प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है। काल तत्व के पहले प्रकृति सम्यावस्था में रहती है, कोई हलचल नहीं, एकदम सम्यावस्था में। मैं जैसे ही भगवान ने देखा और काल तत्व उसमें इंटर हो गया, मतलब कि चला गया, तो फिर विक्षोभ स्टार्ट हो जाता है। विक्षोभ से क्या होता है, सबसे पहले विक्षोभ के कारण क्या होता है, कभी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो कभी सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि होती है, मतलब वृद्धि मतलब उसकी प्रधानता होने लगती है। तो सबसे पहले सतोगुण की वृद्धि होती है तो महत्तत्व की रचना होती है। महत्तत्व, महत्तत्व के बाद जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो श्रुति तत्व का रचना होता है, और श्रुति तत्व की रचना के बाद जब तमोगुण की वृद्धि मतलब प्रधानता होती है तब अहंकार की उत्पत्ति होती है। और ये इसी अहंकार से, यही अहंकार जब सात्विक अहंकार होता है तो सात्विक अहंकार से मन और जो 10 इंद्रिय है, वो इंद्रियों के जो देवता है उसकी उत्पत्ति होती है। इंद्रियों के देवता मतलब जो इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाले हैं, हाथ को भगवान इंद्र कंट्रोल करने वाले हैं, तो इन सब की उत्पत्ति होती है, ये सात्विक अहंकार से होती है। फिर राजसिक अहंकार से क्या होती है, प्राण की उत्पत्ति होती है, पंच प्राण जो है या 10 प्राण भी कहते हैं, और कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इसकी उत्पत्ति हो जाती है। और तामसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार से सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति होती है, और शब्द से जानते हैं शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द के बाद शब्द से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से स्पर्श की, स्पर्श से वायु की, और वायु से रूप की, रूप से अग्नि की, और अग्नि से रस की, रस से जल की, और जल से गंध की, और गंध से पृथ्वी की, ऐसे उत्पत्ति होती है। मतलब कि अब पूरा प्रकृति की जो रचना करने के जितने भी जो भी तत्व है सब आ गया। जब जैसे ही महाविष्णु ने महातत्व को उत्पन्न किया और इच्छा किया कि अब लोक की सृष्टि हो, तो सब कुछ उत्पन्न हो गया। और अनंत जो जगदंड है, मतलब जो ये विश्व है, उसकी रचना हो गई। विश्व की रचना हो गई मगर अभी विश्व में कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर जो महाविष्णु है वही आप देखिए कह रहे हैं, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तो फिर दूसरा पुरुषावतार की बारी आती है। तो महाविष्णु का ये जो अंश है वो सभी विश्व में, सभी यूनिवर्स कहेंगे, सभी ब्रह्मांड में जाती है, जिनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय सभी जितने भी ब्रह्मांड है सब में जाते हैं, अंतरात्मा मतलब उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। गर्भोदक्षाय वहाँ रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, तो पूरा अंधेरा रहता है, तो उनके शरीर अंधेरा रहता है, मगर जैसे ही भगवान इंटर कर जाते हैं तो प्रकाश हो जाता है। और भगवान के शरीर से ही जल का उत्सर्जन होता है, वही उसी जल से गर्भोदोष्यन मतलब गर्भ सागर की उत्पत्ति होती है। उसी में भगवान विष्णु शयन करते हैं। उनके जो नाभि है, नाभि से एक कमल नाभ की उत्पत्ति होती है जिसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है।
और फिर ब्रह्मा जी उसी कमलनाभ के 14 पार्ट करके उसी में 14 भुवन की संरचना करते हैं, यही है जगदंड। तो गर्भोदक्षा विष्णु के बारे में भी पता चल गया, वो क्या करते हैं, वो सभी ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे उनके शरीर से जल का उत्सर्जन होता है, जिससे गर्भोदोषियन मतलब गर्भ सागर की उत्पत्ति होती है, उसमें भगवान शयन करते हैं, उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी और वो सब करते हैं, 14 भुवन की रचना करते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं तृतीयम सर्वभूतस्थम, और तीसरे जो पुरुषावतार हैं जो सर्वभूतस्थम, ये कौन है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु ही परमात्मा के रूप में सर्वभूतस्थम, जितने भी जीव देख रहे हैं, घोड़ा गधा छोटा मक्खी हम लोग सब, सबके हृदय स्थम, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और कण कण में भी है, सभी चीज़ में भी परमात्मा के रूप में है। और कहें तानी ज्ञात विमुच्यते, जो इन तीन महाविष्णुओं को जो इस तीन भगवान के पुरुषा अवतार है, जो विष्णु अवतार है, उनको जो जानता है तो विमुच्यते, वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, हाँ समय तो अभी और है, और इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ विमुच्यते, अब देखिए भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या संबंध है, इसका आप जो ब्रह्म संहिता है इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। श्लोक ऐसे है, श्लोक का केवल अर्थ कर देता हूँ, समय थोड़ा कम ही है। कहते हैं ना कि जैसे एक दीप होता है, उसको जब दूसरे दीप के पास ले जाएंगे जो अभी जला हुआ नहीं है, तो दूसरा दीप भी जल जाता है, तो फिर जो दूसरा दीप भी होता है वो पहले दीप के जैसा ही समान रहता है, जैसे पहला दीप जगह को प्रकाशित कर रहा है और से दूसरा दीप भी सबको प्रकाशित करता है। तो इसी को कहते, इसी के लिए एक श्लोक है, दीपार्चिरेव दशांतरभ्यपेत्या दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगेव विष्णु तया विभाति गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो कहते हैं ना गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उस गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। कैसे है वो गोविंद, बोलते हैं ताद्रिक एव विष्णु तया विभाति, जो ताद्रिक मतलब उसी प्रकार मतलब जो दीपक का उदाहरण दिया, विष्णु तया विभाति, विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं। कैसे, दीपार्ची एव दशांतर अभ्यपेत्य, जो दीपार्ची होता है, जो दीपार्ची मतलब दीपक है, दीपक का लो दशांतर मतलब दूसरे दीपक को अभ्यपेत्य, जो पाकर दीपायते उसको भी प्रज्वलित कर देता है, और प्रज्वलित कर देता है, फिर कहता है विवृत हेतु समान धर्मा, जो विवृत हेतु जो विस्तार का जो कारण था पहला दीपक, उसका समान धर्म एकदम समान प्रकार है। मतलब कहने का सार ये है कि जो भगवान कृष्ण है और भगवान विष्णु है वो सेम व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु कोई अलग है और भगवान कृष्ण अलग है, सेम व्यक्ति है, मगर क्या है गुणों का प्रकाशन अलग अलग होता है। भगवान कृष्ण पूर्ण अपने लीला अवतार में रहते हैं, पूर्ण अपनी पूरी मतलब जो 64 जो भगवान के गुण हैं सभी का प्रकाशन करते हैं, मगर भगवान विष्णु का कार्य क्या है, जगत से संबंधित है, तो वो अपने 60 गुण का प्रकाशन करते हैं। कैसे, चंद्रमा है पूर्णिमा में वो पूर्ण रहेगा, मगर वही चंद्रमा जब एकादशी आदि में रहेगा तो थोड़ी सी उसकी कला कम रहती है, मगर रहता है वही सेम चंद्रमा रहता है। तो वही भगवान कृष्ण में कुछ गुण का प्रकाशन और ज़्यादा है, जैसे कि वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, प्रेम माधुर्य, भक्त माधुर्य, ये सब जो 4 गुण है उसका और ज़्यादा प्रकाशन रहता है, और भगवान विष्णु ये सब का प्रकाशन नहीं करते, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं, उनका अवतार वो भगवान कृष्ण ही है, तो उनका अवतार दूसरे के लिए, दूसरी चीज़ के लिए, वो जगत के नियंता, जगत की सृष्टि, इसके लिए मैंने इसी को। फिर अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में कि जो परमात्मा है, परमात्मा की अभिव्यक्ति ऐसे तो सेम है, परमात्मा की अभिव्यक्ति इसी जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। जो परमात्मा का कार्य, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु का जो कार्य है वो इसी जगत में है, इसी जगत में चीज़ें, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सृष्टि उष्टि तो करना नहीं है, वो तो नित्य धाम है, वहाँ भगवान कृष्ण ही स्वयं सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए, तो इसलिए उसकी अभिव्यक्ति वहाँ नहीं है। और ये भी जानते हैं कि कैसे, एक सेकेंड, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण है वही परम सत्य है और पूर्ण शक्तिमान पुरुष है। परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु है, मगर भगवान कृष्ण ही पूर्ण शक्तिमान पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक में डायरेक्ट आता है, विष्णु महान यस्य कला विशेषो,
है तो भगवान के अवतार भगवान भगवान कृष्ण के अवतार है भगवान विष्णु, मगर यस्य कला विशेष, भगवान की कला है, अंश अंश के अंश है, इसलिए कला है। अब प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में कुछ चीज़ें और बताते, बोलते हैं कि जो भगवान को इस जगत का कारण नहीं जानता है, मतलब तो उसकी स्थिति क्या होती है, बोलते वो क्या होता है ना, उसको इस जगत के प्रति भोग वृत्ति, इस जगत का नियंत्रण होने का भाव, ये सब रहता है जो भगवान को इस जगत का कारण नहीं जानते। और इसके लिए उन्होंने एक एक षट दर्शन है, आप लोग जानते होंगे षट दर्शन होता है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको इंगित कर रहे हैं सांख्य दर्शन को। जो सांख्य दर्शन है उसमें क्या होता है ना, वे भगवान को इस जगत का कारण नहीं मानते, वे मानते प्रकृति को इस जगत की सृष्टि स्थिति का कारण मानते हैं। उसी के बारे में प्रभुपाद जी बताएं नास्तिक सांख्य दर्शन के बारे में। बोले लिखते हैं प्रभुपाद जी, नास्तिक दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। तो अल्प ज्ञान है, क्यों क्यों अल्प ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र को तो देखते नहीं है। आप जैसे भागवतम का पहला श्लोक देखेंगे तो उसी में बताते जन्मादस्य यता, जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है वो भगवान कृष्ण है। और वेदांत सूत्र में भी पहले अध्याय का पहले पाद का पांचवा जो उसका सूत्र है उसमें बताया हुआ है, इक्षतिर ना शब्दम, मतलब कि इक्षते श्रुतियों में बताया गया कि भगवान ने इच्छा की, ऐत्रीय उपनिषद है उसमें इसका बताया गया, भगवान ने इच्छा की सृष्टि करूं तो सृष्टि कर दिया, सा इक्षत लोकानुसृजत, भगवान ने इच्छा की और लोक की सृष्टि कर दी। तो वही कह रहे इच्छते, मतलब श्रुतियों में देखा जाता है कि भगवान ने इच्छा की और इस जगत की सृष्टि की। और अशब्दम, अशब्दम मतलब श्रुति के अनुसार नहीं है, क्या नहीं है ना, मतलब ये जो जगत है, मतलब जो माया है, क्या कहते हैं उसको, प्रकृति स्वतंत्र रूप से इस जगत की सृष्टि करने वाली नहीं है। ये क्या, ये ग्रंथों में मतलब अशब्दम, मतलब श्रुतियों को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो वहाँ पे अशब्दम, वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रकृति सृष्टि करती है स्वतंत्र रूप से, भगवान से स्वतंत्र रूप के होके, इसलिए कह रहे हैं ना, ना मतलब नहीं, प्रकृति सृष्टि नहीं है इस जगत की। और समय तो अब कम है, मगर एक और अंश था उसको जस्ट थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जो 8 प्रकार की प्रकृति है, यही जो 24 प्रकार के तत्व है जो अष्टधा करे उसको यही रिप्रेजेंट करती है। क्या होता है ना, प्रकृति के काफ़ी जो अलग अलग लोग अलग अलग संख्या करते हैं, कोई कहते हैं प्रकृति के 24 तत्व हैं, कोई कहते हैं 28 तत्व है, कहीं 16 दिखेगा, यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो होता क्या है, कार्य में कारण रहता है या कारण में कार्य रहता है, दोनों चीज रहता है। जैसे यहाँ पे अहंकार दे दिया गया है, अहंकार दे देने से इसके जो अहंकार कारण है, कैसे, जैसे मिट्टी है, मिट्टी कारण है और उसका कार्य क्या है, घड़ा। तो अहंकार कारण है और अहंकार से ही दसों कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आती है, तो यहाँ अहंकार कह देने पर ये सब उसमें निहित है। और जो पंचभूत बोला गया है तो पंचभूत यहाँ कार्य है, तो इसका जो कारण है तन्मात्राएं इसकी, ये भी इसमें निहित है। तो देखेंगे ये जो 8 तत्व है ये 24 तत्व को निरूपित भी कर रहा है। ठीक है, अब विस्तार का तो और समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रयत्न तो करते हैं मगर जब तक वैष्णव या गुरु का कृपा नहीं हुआ है तब तक वो सफल नहीं होता है। भगवान की कृपा वैष्णव और गुरु के से आती है, जिसकी सेवा वृत्ति है वैष्णव और गुरु के प्रति वही सफल होता है। ये सार यही है। श्रील प्रभुपाद की